इसके हम वजन यानी कि बराबर का हम गुलाब का रस इसमें शामिल करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल। अगर आपकी क्वांटिटी इससे डबल है यानी 2 टीस्पून है तो आप इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल मिलाइए। मैंने यहाँ 1 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें मिला दिया। आप विटामिन ई का ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून या आधा टीस्पून। उसके बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल मिलाएंगे और वो हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून। यानी कि तीनों चीजें हम वजन और अगर आप 1 टीस्पून तीनों चीजों का ले रहे हैं तो 1 विटामिन ई का कैप्सूल। बस ये 4 चीजें चाहिए थी। अब यहाँ पे आपने इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 5-7 मिनट लगा के इसको किया, ये देखिए बिल्कुल कंडीशनर की तरह बन गया है। आप इसको अगर ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत प्यारा फॉर्म की शक्ल में यानी कि झाग की सूरत में ये बनेगा, वो बहुत जबरदस्त होगा। और इस तरीके से भी ये देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया तो ये रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको एयर टाइट जार में रख लीजिए, ये रूम टेम्परेचर पे भी रह जाएगा क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है। अब आपने क्या करना है कि आपने बाल सुखाने के बाद या फिर आपके नीम गीले बाल यानी कि आधे खुश्क और आधे गीले हो, जैसे कि आप बाकी कंडीशनर यूज करते हैं उसी तरह से इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। और सेम इसी तरीके से आप चाहें तो इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन इससे ड्राई नहीं होगी और बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत हो जाएगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसे आपने लाजमी पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। साथ ही जो नए दोस्त हैं जिन्होंने पहली दफा मेरे चैनल को विजिट किया है उनसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि वे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आप रोजाना इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं डेली बेस पे नई वीडियो अपलोड करती हूँ 10 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जब करें तो साथ जो बेल का आइकन होगा उसको दबा के आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना 10 बजे मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। उसके बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मल भरोसा करो, या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा नहीं तो एक सबक मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कॉल पे आपने अमल भी करने की कोशिश करेंगे और आपको लाजमी तौर पर पसंद भी आया होगा। मुझे अपने गाँव में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच। मैंने भी अपलोड किया था, उस पर बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा। और सर्दियों में ऐप किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है कि बहुत अच्छा व्हाइटनिंग मास्क बन जाए और आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिले। तो वीडियो को लास्ट तक आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है एग मास्क हम बना रहे हैं तो एक अंडा आपको चाहिए। मैंने इसमें से एग व्हाइट निकाल ली है 1 चम्मच के बराबर। इसी तरीके से आपने 1 चम्मच ले लेनी है अंडे की सफेदी। अगर आप इसे साथ अपने हाथ पांव पर भी अप्लाई करना चाहती हैं तो आप उस हिसाब से एग व्हाइट बढ़ा सकते हैं। उसमें हमने 1 चम्मच लीमू का रस मिलाना है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं तो आप 1.5 चम्मच लीमू का रस ऐड कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून। तो वीडियो के अंदर अगर थोड़ा बहुत शोर आए तो उसके लिए भी माजरत, क्योंकि मेरा भांजा आया हुआ है तो वो मुझे वर्क नहीं करने दे रहा, लिहाजा आपने माइंड नहीं करना। अच्छा, मेरे पास यहाँ 1 चम्मच अंडे की सफेदी है, इसमें 1 ही चम्मच मैंने लीमू का रस मिला देना है। आप चाहें तो इसमें आप